औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली के तमाम दोस्तों को इजाज़ खान आबासी का मोहतमर सलाम। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल का मुतबर्रिक महीना आ चुका है और कल हम इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल की सुबह जो है वो जलूस लेकर रवाना होंगे अब्बास नगर से। अब्बास नगर से हम स्टार्ट करेंगे सुबह तकरीबन जो है ना 8 बजे, और यहाँ से फिर पैदल हम निकलते हुए जाएँगे चक नंबर 37 BC से होते हुए फिर हम तारागढ़ जाएंगे। तारागढ़ पे जो है ना मदरसा फैज़ुल इस्लाम में जो है वहाँ पर हमारा जो बाकी एरियाज़ का जलूस है वो यहाँ पर जमा होगा। वहाँ से तकरीबन जो है ना हम 10 बजे के करीब हम निकलेंगे और वहाँ से हमें रोड पर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा। 10:30 जो है ना वो हम रोड पर पहुँचेंगे, मेन रोड जो है, मेन रोड से 10:45 के करीब जो है ना हम पहुंचेंगे तारागढ़ टिब्बा पर। वहां से होते हुए फिर हम जो है ना इसी तरह जैसे हसब मामूल पिछले 14 साल का हमारा जो है ना मामूल चला आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम जो है ना बस्ती 16 मील पर दुआ खैर होगी। वहां से फिर हम आगे जाएंगे। इस बार हम ज़रा थोड़ा सा इसमें जो है ना इजाफ़ा करें, पीर शाह हुसैन साहब के पास जो है ना चक नंबर 1 BC में जाएंगे, वहाँ पर दुआ होगी, उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक जुलूस होता हुआ अपने रोड से रवाना होगा। इंशाल्लाह सुबह जो है ना तकरीबन 8 बजे हम मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 1 BC से पीर शाह हुसैन साहब के पास से होते हुए फिर हम वापसी जो है ना, वापसी का हमारा रूट जो है वो बस्ती फुल्ला से होते हुए बस्ती नरद से फिर अब्बास नगर, और अब्बास नगर से फिर हम पैदल निकलेंगे। अब्बास नगर से जब हम पैदल निकलेंगे तो वहाँ से तकरीबन आधे घंटे का जो है ना हमारा सफ़र है पैदल का। उसके बाद हम फौरन पहुँचेंगे चौधरी नूरुल इलाही साहब के डेरे पर, वहाँ पर दुआ होगी। दुआ के बाद वहाँ से जो है ना हम सीधा जाएंगे तारागढ़, तो वहाँ पर तारागढ़ में इख्तिताम होगा, वहाँ पर दुआ होगी और लंगर का एहतमाम भी किया गया है और वहाँ पर नात खानी और थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान भी होगा। तो तमाम आशिकान रसूल से मेरी अपील है कि कल भरपूर जो है ना शमूलियत करें, कल भरपूर जो है ना मिलाद जुलूस के लिए तैयारी कर निकलें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे ये मेहनत जो है इसको कबूल फरमाएं और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हम पर करम करें और हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर करें और अल्लाह ताला कल का हमारा दिन ये मुबारक करें। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह सुबह कोशिश करेंगे कि एक नई वीडियो जो है ना वो आपको देंगे जब हम निकलने लगेंगे, तभी उस वक़्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना एजाज़ खान अब्बासी इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।